यूपी के जनपद गोंडा में भारत बंद का नहीं दिखा कोई असर। गोंडा रेलवे जंक्शन पर सुचारू रूप से आने जाने वाली गाड़ियां चल रही हैं। रेलवे सुरक्षा बल की पुलिस पूरी तरह मुस्तैद। ब्यूरो रिपोर्ट होम दिल्ली। जहां पूरा भारत अलर्ट मोड पे है, अग्नि ये पथ योजना जो है सरकार की योजना है, इसमें जो है छात्र को लिए यानी अच्छी सुविधा है सरकार के द्वारा कहा जा रहा है, मगर छात्र लोग का समन है जो फौज में भर्ती होना चाह रहे हैं मिलिट्री में, उनको समझ में नहीं आ रहा है या समझा नहीं पा रही है सरकार ये क्या मतलब है, इसलिए जो है अलग अलग प्रदेशों में तोड़फोड़ हुई है, भारी नुकसान हुआ है, बिहार में भी नुकसान हुआ है, कई गाड़ियां फूंक दी गई हैं। आज हम गोंडा जंक्शन पे खड़ा हूं, जहां पर आपको बताना चाहेंगे भारी सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल पुलिस लगाई गई है बाहर से रोकने के लिए। बाहर अगर उपद्रवी कोई आता है यानी असामाजिक तत्व के लोग जो आ जाएँ यहां पर रोकने के लिए, यानी रेलवे सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे कैमरामैन से कहेंगे उधर इधर दिखाएँ सुरक्षा बल किस तरह से काम कर रहा है गोंडा जंक्शन पर, और ये देखभाल भी कर रहा है और पूछताछ भी कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जा रहा है जिसमें कोई गड़बड़ी हो जाए, रेलवे की संपत्ति को नुकसान हो जाए, चेक करके जाने दिया जा रहा है। भारी संख्या में ये पुलिस बल लगे हुए हैं, सुबह से ड्यूटी कर रहे हैं, सुबह से अपनी ड्यूटी में मुस्तैद हैं, जो दिखा अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, कोई किस्म की गड़बड़ी ना हो हर तरह से चेक करके लोगों को जाने दिया जा रहा है यहीं से। और ये गोंडा का जंक्शन यानी बड़ा जंक्शन है, यहाँ से जो काफ़ी तो यहाँ से बहराइच से लोग आते हैं, बलरामपुर से भी आते हैं, ये बड़ा जंक्शन माना जाता है, ये मंडल भी है, गोंडा मंडल भी है। अब ये पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा यहाँ पर निगरानी करके जा चुके हैं और पूरी तरीके से निगरानी कर चुके हैं, जीआरपी थाना भी चेक कर चुके हैं और यहाँ पे आरपीएफ भी जा चुके हैं, सब चीज़ अपने बागडोर संभाले हुए हैं, देख रहे हैं यानी कि पल पल की यहाँ पे खबर ले रहे हैं, कहीं किसी के कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं किसी सुचारू रूप से यहाँ से ट्रेनें जो चल रही हैं, बिहार की ट्रेनें यहाँ से नहीं आ रही जा रही हैं, ये है कि अलग गोरखपुर से जो ट्रेनें चल रही थी वो सुचारू रूप से चल रही हैं, कोई किस्म की व्यवधान नहीं है। गोंडा जंक्शन पर खड़ा हूँ बाहर, बिल्कुल से आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरे पीछे गोंडा जंक्शन है जहाँ पे मैं आया हूँ और आज यहाँ की हकीकत दिखाना चाहूँगा कि आज यहाँ का क्या माहौल है, यानी पूरे देश में ये हाहाकार मचा हुआ है अग्नि पथ योजना के लेकर, सेना भर्ती को लेकर, इसमें जो नवयुवक हैं नौजवान हैं उसमें जो है तोड़फोड़ किए हैं, पटना में, बिहार में, कई प्रदेशों में और उत्तर प्रदेश में भी किया गया है, मगर गोंडा में किस तरह से क्या हाल है हम गोंडा जंक्शन पे अंदर चल के आपको दिखाते हैं। जहाँ पे ये टिकट खिड़की है इधर मेरे दाहिने साइड आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा इधर दिखाएं, ये टिकट खिड़की है जो जनरल टिकट खिड़की है, यहाँ पे लोग यहाँ पे जो यात्री हैं सुचारू रूप से अपना टिकट ले रहे हैं, अपने स्थान को जा रहे हैं और कोई यहाँ से कोई किस्म की व्यवधान नहीं है। हम दिखाना चाहेंगे इधर बाएँ तरफ मेरे ये पूछताछ केंद्र है, यहाँ पे लोग पूछताछ कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन ट्रेन आ रही है, कौन जा रही है और कौन ट्रेन रद्द हो गई है। हम यहाँ के जो यहाँ पे बैठे हैं पूछताछ केंद्र पे उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, यहाँ पे ट्रेनें जो है बिहार वाली आ रही या नहीं आ रही? नहीं सर, ऐसा है ना, आपकी बिहार साइड के करीब करीब गाड़ी कैंसिल है, चल रही है। अच्छा। जैसे मैं वैशाली हुआ, हम क्या नाम है अवध एक्सप्रेस हुआ, और जो इस आज के डेट में है उसकी बात बता रहे हैं आपसे। अच्छा। वैशाली, गोरख, सत्याग्रह और 9038 तीन गाड़ी बाया होके भी आ रही हैं इधर, बाया होके जो मतलब अलग से नहीं, अपने रूट से आएंगी, जब कोई मेमो मिलेगा आदेश मिलेगा कि इसके थ्रू आ रही हैं तो आपको बताएगा। ये कामाख्या से आई है, माँ वैष्णो देवी कटरा को जाएगी, इसका नंबर है 156-55। ये इनका बताना था साहब, ये जो है कामाख्या एक्सप्रेस थी जो यहाँ से रवाना हो गई है अभी कुछ देर पहले, यहाँ से निकल चुकी है और जा रही है। और कुछ बताना चाह रहे हैं ये हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, और आप संतुष्ट हुए कि नहीं पहले ये बताइए। बिल्कुल हाँ, हमें संतुष्टि है क्योंकि आपने लाइव जो कहा है वो लाइव चल रहा है और हमारी संतुष्टि आपने जो बताया सही है। और ये जो है कामाख्या एक्सप्रेस थी, यहाँ से जा रही है जो अलग वैष्णो माँ वैष्णो देवी स्थान पे जा रही थी, लोग यात्री जा रहे थे यहाँ से, गए हम आगे चलते हैं प्लेटफार्म नंबर 1 पे, वहाँ
प्लेटफार्म नंबर एक पर आ गया हूँ, जहाँ से आपको दिखाना चाहूँगा। दूसरी तरफ दो प्लेटफार्म नंबर है, इधर इधर देखिए, कोई मतलब ऐसी व्यवस्था नहीं है, सब सुचारू रूप से चल रहा है, शांति का माहौल है, यानी शांतिपूर्ण यहाँ से लोग सब लोग जा रहे हैं, अपने स्थान को जा रहे हैं, गोजनपद गोंडा स्टेशन से जंक्शन से। आपको बताना चाहूँगा कि यहीं पे जिला के तेज तर्रार पुलिस कप्तान संतोष कुमार मिश्रा यहाँ पे आए और थाना का ये कोतवाली का निरीक्षण भी करके गए हैं, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के जायजा भी लेके गए हैं कुछ दिन पहले अभी, और यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि कोतवाली प्रभारी जो हैं, यहाँ प्रभारी निरीक्षक जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और पूरा देखभाल कर रहे हैं, कोई किस्म से गड़बड़ी नहीं है। हम थोड़ी सी एक बात जानने की कोशिश करेंगे कि गोंडा इस जंक्शन का इस वक्त क्या माहौल है, कैसा है और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। सर क्या सुरक्षा व्यवस्था कैसी है यहाँ पे स्टेशन पे प्लेटफार्म नंबर एक पे या दो पे, जैसे आपका जंक्शन है, ये कैसी है? यहाँ पर उच्चाधिकारीगण के निर्देशानुसार पर्याप्त बल लगाया गया है और रेलवे स्टेशन पर जिस तरफ से भी इस तरह के उपद्रवी छात्र अथवा असामाजिक तत्व जो रेलवे स्टेशन पर आएंगे उनको रेलवे परिसर में घुसने से रोकने के लिए स्टेशन के चारों तरफ जीआरपी का और आरपीएफ का बल एंटी राइट उपकरण के साथ लगा हुआ है, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट से भी पर्याप्त बल मिला है जिनको भी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। अभी ऐसा कोई मतलब वो नहीं निशान दे दिखाई कुछ दे दिखाई नहीं पड़ा कोई इस तरह से आदमी आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया अभी तक, मतलब पूरी तरह से शांति है। बिल्कुल शांति है यहाँ गोंडा में। ये यहाँ के कोतवाली प्रभारी निरीक्षक थे जो बता रहे थे पूर्ण तरह शांति है और सब लोग अपने अपने गंतव्य को इसी स्टेशन से जा रहे हैं, और हम जो है यहाँ पे यानी कि जो रेलवे का सुरक्षा बल ये है दो नंबर पे है जो है, और वो भी अपने निगरानी कर रखा है, और यहाँ की जो गोंडा की पुलिस है वो भी सहायता है कि वहाँ से भी इनको सहायता मिल जाएगी, और ये गोंडा से बाहर जो जंक्शन का है वहाँ से भी निगरानी हो रही है, कोई ऐसा आदमी आ रहे हैं जो असामाजिक हैं यानी उपद्रवी हैं या किसी नुकसान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाएंगे या आने जाने यात्रियों को परेशान करेंगे, उन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। अभी हम ऊपर ले कर चलते हैं, वहाँ से दिखाते हैं कि मैं इस वक्त गोंडा के जंक्शन के पुल के ऊपर आए यानी ओवर ब्रिज जो है उस पर आ गए हैं, जो यहाँ से इस पार से उस पार जाती है, दो नंबर प्लेटफार्म तीन नंबर प्लेटफार्म को जाना होता है यात्रियों को, उस पर आ गए हूँ। हम दिखाना चाहेंगे कैमरा मैन से कहेंगे इधर दिखाएं, मेरे दाहिने साइड जो है दिखाएं कि रेलवे ट्रैक बुल के कार्य से बिल्कुल खाली है और कोई किस्म की व्यवधान नहीं है, कोई उपद्रव करता है इस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है या प्राइवेट संपत्ति को, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, ऐसा उनका कहना है। और सुचारू रूप से यहाँ पे स्टेशन पे सारा आवागमन चालू है, जो कटिहार से ऐसे बिहार से आने वाली ट्रेनें हैं वो रद्द हो गई हैं, इधर नहीं आ रही हैं, बाकी दूसरी तरफ से गोरखपुर से या और जगह से स्थान से यहाँ पे चल रही हैं, जो इधर जा रही हैं बॉम्बे की तरफ जा रही हैं, दिल्ली तक जा रही हैं, वो भी यहाँ से जा रही हैं। अभी किसी कोई किस्म का व्यवधान नहीं है। मैं हामिद अली कैमरामैन तौफीक के साथ, लाइव न्यूज़ 18 गोंडा।